मैं शायर हूं तो अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं इन हसीं असरार के बारे, बताएं तो भला क्या है मोहब्बत, आखिरिश है क्या, इबादत आखिरिश है क्या। वसीम, मैं सबसे कहता हूं किसी प्यासे को अपने हिस्से का पानी पिलाना भी मोहब्बत है, इबादत। बहुत अच्छा, बहुत किसी प्यासे हैं ताकि किसी प्यासे को अपने हिस्से का पानी पिलाना भी मोहब्बत, बदरदार याद करो, किसी प्यासे को अपने हिस्से का पानी पिलाना भी मोहब्बत है, इबादत है। भंवर में डूबते को साहिलों तक लेके जाना भी मोहब्बत है, इबादत। किसी के वास्ते नन्नी सी कुर्बानी मोहब्बत है, किसी के वास्ते नन्नी सी कुर्बानी मोहब्बत है। वो दिल में दर्द वीरानी मगर फिर भी, वो दिल में दर्द वीरानी मगर फिर भी, किसी के वास्ते जबरन ही होठों पर हंसी लाना, वाह जबरदस्ती ही मुस्कुराना मोहब्बत है, इबादत। वो दिल में दर्द वीरानी मगर फिर भी, किसी के वास्ते जबरन ही होठों पर हंसी लाना, जबरदस्ती ही मुस्काना मोहब्बत है, इबादत है। और कहीं हम राज सारे खोल सकते हो मगर, कहीं हम राज सारे खोल सकते हो मगर फिर भी, किसी की बेबसी को देखकर खामोश रह जाना मोहब्बत, कहीं हम राज सारे खोल सकते हो मगर फिर भी, किसी की बेबसी को देखकर खामोश रह जाना मोहब्बत है, इबादत है। कहीं बारिश में सहमे भीगते बिल्ली के बच्चे को, वाह सूरत, कहीं बारिश में मंदर सहमे भीगते बिल्ली के बच्चे को, जरा सी देर को घर लेके आना भी मोहब्बत है, और कोई चिड़िया जो कमरे में भटकती आग निकली हो, कोई चिड़िया जो कमरे में भटकती आग निकली हो, तो उस चिड़िया को पंखे बंद करके रास्ता बाहर कर, कोई चिड़िया जो कमरे में भटकती आ निकली हो, तो उस चिड़िया को पंखे बंद करके रास्ता बाहर का दिखलाना मोहब्बत है, इबादत है। किसी के दर्द सहलाना, किसी रोते हुए के जी को बहलाना मोहब्बत है। आखिरी मिसरा है कि मीठा बोल मीठी बात मीठे लफ्ज, कि मीठा बोल मीठी बात मीठे लफ्ज, सब क्या है मोहब्बत है, इबादत है, मोहब्बत है, इबादत।